Brought to you by Himalaya Pure Hands. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हैंड्स हैंड वॉश। हिमालय का कहना है कि इसमें है शुद्ध तुलसी के गुण। ये आपको देता है 99.9% जर्म प्रोटेक्शन और रखे आपके हाथों को जर्म्स से सुरक्षित। साथ ही इसका पीएच बैलेंस फॉर्मूला रखे आपके हाथों को सॉफ्ट। मनोज पटना के रहने वाले हैं, 47 साल के हैं। उन्हें काफी समय से अर्थराइटिस की शिकायत रही है। अब जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, इसलिए इलाज के साथ साथ उन्हें कई पेन किलर्स भी दिए जाते थे ताकि दर्द कंट्रोल में रहे। अब इन दवाइयों की मदद से उनके दर्द से तो उनको राहत मिलती थी, पर धीरे धीरे इन पेन किलर्स ने मनोज के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि ये दवाएं सालों साल चली, इसका असर किडनियों पर पड़ा। पिछले साल मनोज को कुछ लक्षण महसूस होना शुरू हुए। उनके पैरों और शरीर में काफी सूजन रहती थी, पेशाब बहुत कम होने लगा, वजन अपने आप काफी घट गया। जब मनोज ने डॉक्टर को दिखाया तो उनके कुछ टेस्ट हुए, किडनियों का भी टेस्ट हुआ, तब पता चला कि उनकी एक किडनी लगभग काम करना बंद कर चुकी है। ऐसे में उनको किडनी फेलियर हो सकता था, इसलिए तुरंत डायलिसिस शुरू किया गया। लगभग एक साल बाद उनकी हालत स्थिर है। मनोज चाहते हैं कि हम किडनी फेलियर पर एक एपिसोड बनाएं, इसके कारण, लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में बात करें। साथ ही ये भी बताएं कि क्या पेनकिलर खाने से किडनी पर असर पड़ता है। तो ये सारे सवाल हमने पूछे अपने डॉक्टर्स से, जानिए क्या पता चला। हमारे शरीर में जो किडनीज हैं, अगर किसी भी बीमारी के कारण काम करना कम कर दें या उनका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से बंद हो जाए, तो उससे होने वाली जो सिचुएशन होती है, जो परेशानी होती है, उसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं। इसका हेल्थ रिस्क क्या है, इसको समझने के लिए जानना जरूरी है कि किडनी का फंक्शन क्या है। हमारे शरीर में जो एक्सेसिव टॉक्सिन्स होते हैं या अनावश्यक पदार्थ होते हैं, किडनी उन पदार्थों को खून से निकालती है, तथा जो एक्सेसिव पानी है, अत्यधिक पानी है, और उसको निकालती है। जो सॉल्ट और है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, इसको बैलेंस करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ बनाती है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, विटामिन डी जो कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, एवं रेनिन नामक एक सब्सटेंस जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन इसके सबसे इंपॉर्टेंट कारण माने जाते हैं। इसके अलावा जो लोग आर्थराइटिस के जैसे मरीज हैं या किसी कारण जिनको बहुत किस शरीर में दर्द होता है, अगर वो अत्यधिक मात्रा में पेन किलर्स लें जो कि एनएसएड्स ड्रग्स होती हैं, उसके कारण भी किडनी खराब हो सकती है। जिन लोगों को किडनी में स्टोन है या फिर किडनी के रास्ते में रुकावट है, अगर वो लोग उसका सही समय पर इलाज ना कराएं और रुकावट बनी रहे, तो बैक प्रेशर पड़ने के कारण किडनी खराब हो सकती है। कुछ लोगों को जन्म से ही कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक डिजीज, इम्यून डिजीजेस या फिर नेफ्रोपैथी, ये भी किडनी खराब होने के कारण हो सकते हैं। शरीर में स्वेलिंग आना, चेहरे पे सूजन आना, पैरों में सूजन आना, इनके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। पेशाब की मात्रा का कम होना, पेशाब में अत्यधिक झाग बनना, सांस फूलना, भूख ना लगना, शरीर में खुजली होना, इन सब के लक्षण होते हैं। ब्लड प्रेशर का अत्यधिक होना और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में ना आना किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है। कुछ लोगों में शुरुआती दौर में कोई लक्षण ही नहीं होता है किडनी फेलियर, ऐसे लोगों में एक साइलेंट किलर होता है, कोई भी लक्षण नहीं आता, और जब किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है तब पता लग पाता है। कोई भी व्यक्ति अगर है 35 साल की उम्र से ज्यादा है, तो उसे एक दफे अपनी किडनी का फंक्शन जरूर टेस्ट कराना चाहिए। सीरम क्रिएटिनिन नाम का एक टेस्ट होता है जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है, वो टेस्ट कराएं। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसके शरीर में उसके माता पिता को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या डायबिटीज की बीमारी है, तो उसे भी अपने नियमित तौर पे किडनी फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। जो लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को दें, उन्हें उसका सही समय पर इलाज लेना चाहिए और डायबिटीज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो स्टोन के मरीज हैं या जिनके पेशाब के रास्ते में रुकावट है, वो अपने सही समय पर इलाज कराएं, ऑपरेशन कराएं, उससे उसको
टाले नहीं, अनक्वालिफाइड अनप्रोफेशनल लोगों की सलाह में ना जाएं, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इलाज में अगर किडनी फेलियर आगे चला जाता है, जब किडनी का बचाव ना किया जा सके, तब डायलिसिस ही इसका एक विकल्प रह जाता है। ऐसे लोग डायलिसिस पे निर्भर हो जाते हैं और उनको समय समय पे 3-4 दिन पे जाके डायलिसिस कराना पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस का एक विकल्प है। किडनी डोनर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कैडेवरिक जो कि किसी आकस्मिक कारण से, जैसे कि एक्सीडेंट के कारण उनकी मृत्यु हो जाए और उनके परिवार के लोग स्व इच्छा से किडनी देने को तैयार हो जाए उस मरीज की, या फिर कुछ परिवार के ही लोग, परिवार के ही कुछ सदस्य जो स्व इच्छा से अपनी किडनी उस व्यक्ति को डोनेट करना चाहें, इस तरह के डोनर्स हो सकते हैं। और ये लोग किडनी डोनेशन के बाद बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। जिन लोगों को ज्यादा पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती है, वो डॉक्टर साहब की बातों पर खास ध्यान दें। हाँ, पेन किलर खाने से आपकी किडनियों पर असर पड़ता है। दूसरी बात, आपकी किडनी ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट मौजूद है। अगर आपको डॉक्टर साहब के बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ये टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि समय रहते इसका पता चल सके और किडनी फेलियर की नौबत ना आए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में पानी की कमी तो नहीं है, जानिए एक सिंपल से टेस्ट की मदद से। आपको दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, इसको लेकर अक्सर डिबेट होती रहती है। हम अक्सर पानी तब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, पर क्या सिर्फ तब प्यास लगने पर पानी पीने का मतलब आपके शरीर को पानी की पर्याप्त मात्रा पहुंच रही है? जवाब है नहीं। एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि आपको दिन भर में कम से कम 2 लीटर पानी तो पीना चाहिए। अब सच तो ये, हमें से बहुत लोग 2 लीटर पानी पीना दिन भर में तो बहुत दूर की बात है, 1 लीटर भी पी लें तो बड़ी बात है। अब कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में पानी की कमी तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आप एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के बारे में बताया डाइटिशियन पूजा मखीजा ने। उन्होंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया और अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। वीडियो में पूजा कहती हैं कि आपको अपनी नकल्स के ऊपर की स्किन को चुटकी से पकड़ना है। नकल्स यानी उंगलियों के पोर के ऊपर वाली स्किन। अब चुटकी लेने के बाद उसे छोड़ दीजिए। अगर ये स्किन जल्दी वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है तो मतलब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं है, पर अगर समय लेती है ये स्किन अपनी जगह पर बैठने में तो मतलब है कि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है। अब पूजा ये भी कहती है कि ये टेस्ट जो है वो 100% फुल प्रूफ नहीं है, यानी 100% सटीक नहीं है, पर हाँ ये काम जरूर करता है। अब वैसे शरीर में पानी की कमी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कुछ और लक्षण भी हैं। ये संकेत देता है आपका शरीर। जैसे अगर शरीर में पानी की कमी है तो आपकी स्किन ड्राई रहेगी, आंखें ड्राई रहेंगी, पेशाब कम होगा, थकान होगी, चक्कर सा आएगा, सिर दर्द रहेगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। तो अगर आपको ये सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है। हमारा शरीर 60-70% तक पानी से बना होता है। आपका शरीर सही तरह से काम करता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी मात्रा में पानी पीते रहें। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए संतरे खाने के फायदे। ठंड के मौसम में आप फल खरीदने जा रहे हैं तो संतरे जरूर खरीदें। संतरे आपके लिए कितने फायदेमंद है ये बताया सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने। एक संतरे में लगभग आधे ग्लास के बराबर पानी होता है, इसलिए इसे खाने से आपके शरीर में पानी पहुंचता है। साथ ही इसमें मौजूद होता है फाइबर जो आपके पेट और हाजमे के लिए अच्छा है। इसमें विटामिन सी भी होता है जिसकी मदद से आपका शरीर आयरन को अच्छी तरह से सोख पाता है। यही नहीं, नमामी ये भी कहती है कि संतरा खाने, यहाँ तक कि उसे सूंघने से आपको स्ट्रेस से राहत मिलती है। आप संतरे को कच्चा तो खा ही सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप चिकन खाते हैं तो मसाले, मक्खन और हर्ब्स के साथ संतरे का जूस भी इसमें डाल सकते हैं। ये इसे और टेस्टी भी बनाएगा और हेल्दी भी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।